वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं दोस्तों, जिससे हमारा हौसला भी थोड़ा बुलंद होगा। राजस्थान के सभी जिले से आए हुए उनके भाइयों और बहनों, हमारे अंतर्गत और जीता मारिया, यहाँ पे सभी आंदोलन चल रहे हैं। रीट का, एसआई का, जीन का, शहीद स्मारक जयपुर एमआई रोड पे, और इधर राष्ट्र देख सकते हो, राजस्थान मुख्यमंत्री कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं। इधर इधर जो है वो आंदोलन और हो रहा है, आपको दिखाते हैं। हम देखिए देखिए, मोटर गाड़ी बंगला बिल फैक्ट्री नहीं मांग रहे हैं, हम गोवंशु जाति के लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। देश की आजादी के 75 साल बाद, देश की 75 साल की आजादी के बाद आज भी गोवंशु जाति के आदमी के पास में रहने के लिए मकान नहीं है। आप चल जाते हो ना, तो अपना गुजर बसर करते हैं। हमारी कुछ जातियाँ जो एसी में आना चाहिए उन्हें ओबीसी में रखा है, वो जातियाँ वंचित है उन्हें घुमंतु में छोड़ा गया है। हम घुमंतु समाज के लोग भी भारत के नागरिक हैं, हम सरकार को वोट देते हैं, हम सरकार को टैक्स देते हैं, हमारा भी हक है, हमारा भी अधिकार है। आज हम अपना हक अधिकार लेने के लिए यहाँ शहीद स्मारक पे आए हैं। मिले जो करी करी एक जंजीर बने, प्यार के रंग कल बोलने लगे थे नगर पालिका वाले, कहा आगे भी चलो तो ये सुहाना है सफर, और अकेला रहे उसे न मिले डगर, तो हम लोग हम जब यहाँ पर आते हैं, हमारा 17 जात है, हम अपने हक लेके जाएंगे। हम यहाँ पे शांतिपूर्वक, और वो एक चैनल तो है वो सीधार वाला, उस पे काम नहीं कर रहे, अभी इस पे कर रहे हैं। 2 अक्टूबर के रोज शहीद स्मारक पर ये जातियाँ जो डेरे तंबू में रहती है, भाई रतननाथ और गीता बागरिया का दिल से स्वागत करते हैं, ये जिन्होंने इतनी जातियों को एक प्लेट फॉर्म पर खड़ा कर दिया। सभी विद्यार्थियों के फिर मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और शेयर ज़्यादा करें दोस्तों, शेयर नहीं कर रहे हो आप। भाई सब कत्ता गलाक आगे तेरे लाइव को नहीं, लाइव चल रहा है, लाइव चल रही होगी। दोस्तों मैं आपसे फिर यही कह रहा हूँ कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। I'm going to go to the hospital.
दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप भी यहाँ पे आने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। शहीद स्मारक जयपुर MBI रोड, ये लोकेशन डाल देना आप, जिससे आपको पता चल जाएगा। जो इस बदल के खिलाफ है और उसको सपोर्ट करते हैं वो नहीं आएंगे। धन्यवाद। ये मैं आपको एक ही बात कहा है कि ये एक घंटे के बाद YouTube चैनल बंद कर दो। जो लगातार दो अक्टूबर हुए गंदे प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। पापा लगातार तीन दिनों से यहाँ पे सभी साथियों से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में कमिश्नरेट के सामने शहीद स्मारक MI रोड पर अधिक से अधिक संख्या में आज पहुंचे। ये अंतिम लड़ाई है। अगर आप लड़ोगे तो आपके आपका विषय अंधकार में है। ये आज को ऐसा जगिन और रीट में हुआ है, कल को ये पटवार में होगा, संगठक में होगा, ग्राम सेवक में होगा, आरिस में होगा, लिख के ले लो जरूर होगा अगर आप नहीं जाओगे। इसलिए आपके अधिकारों के लिए, आपके हक के लिए आपको आगे आना होगा। और शब्दों में स्पष्ट करना चाहूँगा, सभी जो नेता लोग हैं जो इनके खिलाफ वो यहाँ पर मौजूद है, आप सभी साथी से निवेदन है हम यहाँ पधारे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कैसे युवा पीढ़ी सारे संघर्ष कर रहे हैं और आपसे यही मेरी मांग है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शहीद स्मारक जयपुर MI रोड पर पधारें और इस आंदोलन को सफल बनाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Thank you.
तो आपका आने वाला समय बहुत ही घातक होगा कि मुझे पता है कि आज जो युवा पढ़ रहा है वो आगे काम नहीं कर पाएगा। किसी फैक्ट्री में अगर काम ही करोगे तो 5-6 हज़ार में आपका काम घर का गुजारा नहीं होने वाला है। तो आप अधिक से अधिक यहाँ पे पहुँचो। बहुत सारे विद्यार्थी मैं कह रहा हूँ कि कमेंट में करें कि रीट भर्ती कैंसिल हो, ऐसे हो वैसे हो, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको आना पड़ेगा। इतनी इतनी बड़ी लाइनें लिख रहे हो भैया, मैं किसी के नहीं पढ़ पा रहा हूँ। बहुत सारे बोल रहे हैं भाई रद्द करो रद्द करो। हाँ रद्द होगी, लेकिन आपका भी एक मुद्दा है कि आपको यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। मैं सबसे पहले ये कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। एक बार आप यहाँ पे एक दिन के लिए आ जाओ, ये मैं गारंटी लेता हूँ। बाबा ने ये बोला है, कोल्लाल जी मीणा है, सांसद है, तो उसने ये बोला है कि अगर आप 20,000 लोग हो गए तो मैं 10 मिनट में आपकी भर्ती की जो लिस्ट जारी है वो जल्दी जारी मैं करवा दूंगा। तो आपको इतना भी विश्वास करना चाहिए कि इतना बड़ा नेता बोल रहा है, उसे सत्ता चाहिए आगे, और सत्ता में आने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा यार। तो आप अगर सत्ता चाहते हो तो अधिक से अधिक यहाँ पे संख्या में आप विद्यार्थी जितने भी आपके जयपुर में जो नेटू पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, मैंने आपको एक बार बार बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे हो कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा है, मुझे नहीं आना, मुझे टाइम नहीं है, मैंने कोचिंग कर रहा हूँ। अगर कोचिंग और लाइब्रेरी में अगर नौकरी पड़ी होती तो मैं यहाँ पर 5 साल से लगातार कोचिंग संस्थानों में पढ़ा रहा हूँ। और आप ये यूट्यूब के साथ जुड़े हो, आप भी देख रहे होंगे कि कितने अच्छे मैं पढ़ाता हूँ कितना नहीं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि यहाँ इतने पढ़ाने वाले के पास नौकरी नहीं है तो आप तो कुछ हो ही नहीं। आप तो छोटा सा सिलेबस, आपको एक कोई छोटा मोटा जीके पर्सन आता होगा तो पढ़ाने वाला टीचर होता है, उसको तो बहुत कुछ आता है, उसके पास भी नौकरी नहीं है तो आपको कैसे मिलेगी? क्यों नहीं है आपके पास नौकरी? क्योंकि आपके अधिकारों की रक्षा अभी तक नहीं है। आपको खुद को अधिकार ही पता नहीं है आपके अधिकार कौन कौन से हैं। तो मेरे भाई और मेरी बहन, आप जितने भी मेरे लाइव है और हैं, उनको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जल्दी से जल्दी यहाँ पे एक हर एक विद्यार्थी जो देख रहा है मेरे भाई, एक बंदा भेजेगा, एक अगर बंदा भेजेगा तो आपकी हर एक बात को यहाँ पे स्वीकार किया जाएगा और सरकार तक पहुँचाई दी जाएगी। सर ये बहुत सारी व्यवस्था, लगातार आंदोलन को मजबूत करो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था करो। अरे व्यवस्था होती रहेगी, आप आओ, यहाँ पे कोई राजनीतिक पार्टी वाले नहीं है, यहाँ पे किसी को वोट नहीं चाहिए, यहाँ पे आने का काम करवाना है, अपना काम करवाने की रीट भर्ती कैंसिल करवाना, आगे देखेंगे। और सरकार अगर हमारी पक्ष में नहीं आई तो अपने पास ही सत्ता है, आगे आने वाले चुनाव में हम उनको दिखा देंगे कि विद्यार्थी क्या चीज़ है, विद्यार्थी अपनी औकात दिखा देंगे कि क्या है। मतदान अपने को करना है, सरकार तो 5 साल में बदलती रहती है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो ये मतदाता हमेशा रहता है और अपना यही चुनाव करते हैं कि कौन किस पक्ष में वोट डालना है, किस पक्ष में नहीं। ज़्यादा मत बोल, बुड्ढा बुड्ढा फैल रही है भैया। मेरे भी एक बाइक क्या, किस बारे में? मेरे गए कुछ गाँव के ने हेलीगढ़ के नाम से हेलीगढ़ में बनाया, और हमारी कर्ज जारी जमीन है, 3-4 25 परिवार है, उनकी सब जमीन डुबोती सब होंगे गैर कानूनी रूप से, सभी डुबोती, सबकी खरीद हुई, सबकी डुबोती। आपका वहाँ है, आपका उधर है क्या मीडिया वाला? लोगों पास जमीन बहुत अच्छा और चर्चा जमीन सबके पास। देखो भाई आज जयपुर में कितनी देर है, इसका मतलब रेट बढ़ती रहता होगा। देखो भाई आज जयपुर में कितनी भीड़ है, इसका मतलब यही है कि रीट जो परीक्षा है एसआई की और जीएसएम की रीट की, वो रद्द होनी चाहिए। तो दोस्तों लगातार आप यहां पर देख रहे हैं कि रीट विद्यार्थियों का धरना लगातार जारी है। हम यहां पर कुछ पास की झलकियां आपको दिखा देते हैं, आप बस इस प्रकार ही इस वीडियो को शेयर करते रहें, इस वीडियो को लाइक करते रहें, और रात को यहाँ पर आप देखेंगे कि अन्य जो दल है वो भी Thank you.
अरे बैठ जाओ यार, कहीं लाइव चला रहा है, बैठ जाओ यार, क्या काम हुआ कर, बैठ जाओ, मतलब बैठ जाओ यार।